हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिसल पाव। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पतीले में 3 से 4 कप पानी उबलने रखेंगे। पानी उबलने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इसमें 1 कप मोट बीन्स यानी कि मटकी डालेंगे। मटकी डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे हम। 5 से 7 मिनट बाद हम देख सकते हैं अच्छे से पक गए। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने यानी कि राई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक लहसुन। इसे हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब इसमें 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच मिसल मसाला, 1 कप भुने हुए सूखे नारियल का पाउडर डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे पकने के लिए हम 5 मिनट इसे ढक कर रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट बाद हम वापस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पकाए हुए मोट बीन्स यानी कि मटकी डालते हैं। अब हम इसे वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मिसल अब रेडी है। इसके ऊपर से अब हम थोड़ा सा धनिया गार्निश करते हैं और इसे प्लेट या बोल में सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा फरसान डालेंगे और ऊपर से वापस थोड़ी धनिया गार्निश करेंगे। और इसे हम फरसान, नींबू, प्याज, धनिया और पाव के साथ सर्व करते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।